इसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी गुस्से में है और देखिए दोस्तों कितना, देखिए दोस्तों हमारी तरफ और ये। तो देखिए दोस्तों पहले तो हम समा चाहते हैं कि जो हमने जोड़ा सांप रेस्क्यू किया था तो इसकी हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि हमारा फ़ोन था जो कि डिस्चार्ज हो गया था और कोई बिजली की तकनीकी खराबी से चार्जिंग कम था तो उसी वजह से फ़ोन डिस्चार्ज था तो वीडियो हम नहीं बना पाए। तो जोड़ा सांप हमने रेस्क्यू कर लिया और नाग और नागिन का ये जोड़ा, देखिए काफ़ी बड़ा सांप है और ख़तरनाक भी है। तो हमारे पास आज चार सांप हमने रेस्क्यू किया, ये छोटा बच्चा है कोबरा सांप का और ये भी एक बड़ा सांप है कोबरा, लगभग करीबन इसकी हाइट है 5.5 फीट के करीब है। तो देखिए दोस्तों अभी इनको हम रिलीज़ करने के लिए आए हैं तो एक साथ चारों सांपों को रिलीज़ करेंगे हम। तो कोशिश करता हूँ मैं बार बार एक एक करके इनको रिलीज़ करूँ। तो पहले हम एक बड़े कोबरे सांप को जो इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक सांप है ये, देखिए धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। काफ़ी गुस्सैल सांप है, इसने पलट बार किया है। ये मेरे को पहले ही पता था कि ये बाहर निकलते वक्त पलटी मारेगा तो इसीलिए मैंने इसे दूरी बढ़ाई है और इसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों काफ़ी गुस्से में है और हमसे नाराज भी है। देखिए दोस्तों कितना गुस्सेल है और इसको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और ये धीरे धीरे जा रहा है अपने पर्यावरण में और इसका अनुकूलित वातावरण है तो यह चला गया है। इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं, नीचे की तरफ गया। तो देखिए दोस्तों गॉगल्स का प्रयोग आज हमने इसलिए किया क्योंकि परसों एक सांप को हमने रेस्क्यू करते वक्त उसकी बेंट थी जो कि मेरी आंखों के अंदर चली गई थी, उसी से थोड़ी बहुत मेरे को आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया था तो इसी वजह से मैंने आज गॉगल्स का प्रयोग किया है। तो देखिए दोस्तों अभी एक छोटा बेबी सांप है तो इसको भी मैं रिलीज़ कर देता हूँ ताकि अपने पर्यावरण में चला जाए। तो देखिए ये भी काफ़ी नाराज है हमसे और काफ़ी गुस्से में है। तो देखिए ये एक कोबरा सांपों का जोड़ा है नाग नागिन का, इनको हम एक साथ ही रिलीज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये बेबी सांप को भी मैं रिलीज़ कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी गुस्से में है और चला भी गया है। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास है एक नाग और नागिन का जोड़ा। तो ऐसे जोड़े सांप देखने को बहुत कम मिलते हैं, तो देखिए काफ़ी बिग साइज़ के हैं तो इनसे दूरी बना के रखें क्योंकि नाग नागिन का जोड़ा होता है तो वहाँ खतरा बना रहता है क्योंकि एक साथ दोनों सांप अटैक कर सकते हैं और इनको रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल होता है जोड़े को। तो अभी इसको भी मैं रिलीज़ करता हूँ ताकि ये भी अपने पर्यावरण में चले जाए। कोशिश करता हूँ कि एक साथ दोनों निकले। देखिए दोस्तों ये नहीं निकल रहे बाहर, काफ़ी गुस्से में है नागिन है ये, तो इनको मैं टेढ़ा कर देता हूँ ताकि इनको निकलने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों ये अपने वातावरण को थोड़ा भांप रहे हैं कि हमारे लिए ये जगह सही है या नहीं है।
ये नाग चला गया है और अभी है ये नागिन, तो ये भी बाहर निकल जाए। तो नागिन काफ़ी खतरनाक होती है। देखिए दोस्तों हमारी तरफ और ये एक साथ चले गए हैं। देखिए दोस्तों नीचे की तरफ चले गए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन जानवरों को हम इसी प्रकार बचाते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये खतरों भरा कार्य है, तो हमको इसको दिन रात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।